जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा जी की। प्रभु जी जय भोले बाबा जी की। कैसे हो? बस कृपा भोलेनाथ जी की। प्रभु जी 5 मिनट टाइम है आपके पास? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप तो पहले यात्रा कर चुके हो, पर आपके साथ 4 यात्री और जा रहे हैं ना इस बार? हाँ जी, हाँ जी। तो उन चारों की तैयारी करवा दी आपने पूरी? हाँ जी, पूरी तैयारी करवा दी हम। एक्चुअली बैग वैग, सॉक्स वगैरह, अम्ब्रेला, ऑल ओवर चीज मैंने उनको लाके दे दिए, जूते वूते सब। अच्छा, खुद ही लेके ले आए हो आप उनके लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनके लिए शॉपिंग करी, बैग और चश्मा, बेल्ट और अम्ब्रेला। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सर भैया, मैंने दो चीजों के लिए कॉल किया था आपको ना। एक तो ये है कि टेंट आपके मैं बुक करूं या आप खुद बुक करेंगे अपने? नहीं पर वो जी आप ही करना। अच्छा, साथ ही रहोगे ना, आगे पीछे नहीं भागोगे कहीं? नहीं, आपके साथ ही हम। अच्छा, तो कोशिश करेंगे पहलगाम में और बाबा जी गुफा पे मैं टेंट बुक कर दूंगा, है ना। बाकी जैसे जैसे अगर साथ रहेंगे आप, शेषनाग पहुंचेंगे तो शेषनाग में इकट्ठे कर लेंगे। अगर आप पहले पहुंच जाए, ग्रुप वाइज बन जाएंगे ना, पहलगाम में सबके ग्रुप बन जाएंगे, तो अगर पहले पहुंच जाए तो पहले कर लीजिएगा, साथ में रहेंगे तो फिर साथ ऑन द स्पॉट कर लेंगे। ठीक है? नहीं, साथ में रहेंगे हम बस। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ में रहेंगे फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे के साथ 251 रुपीज भंडारों के हमने एक्स्ट्रा लिए थे, आपको याद होगा, तो बस के किराया में, तो वो आपके भंडारों में डालने हैं पांचों के? बिल्कुल डालने सर, बिल्कुल। चलो, दोनों पॉइंट मैंने टिक कर लिया आपकी, ये तो हो गया। दूसरी बात ये है कि आपकी कोई इंक्वायरी हो, वैसे तो आप यात्रा कर चुके हैं ये पहले, 2019 में गए थे ना हमारे साथ आप? हाँ जी भैया, 2019 में। फिर भी कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो मन में, कोई सवाल हो तो बताओ। भैया एक क्वेरी थी मेरी, जो लास्ट टाइम मेरे है ना हेड में बहुत पेन रहा था पूरी यात्रा पे। पूरी यात्रा में रहा था? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपको वही हुआ था या उस यहाँ पे भी होता है आपको हेड में पेन? ये नहीं, यहाँ नहीं होता मेरा, वहीं पे हुआ था। तो आपको मैं बताता हूँ, दो ऑप्शन थे उसके, दो तरीके से आपको हुआ था वो, या तो आपको ठंड लगी थी। नहीं एक मिनट, मैं थोड़ा सा सॉरी, मैंने क्या किया था वहाँ पे, जो शेषनाग से पहले ना जो नदी है ना उसमें नहा रहे थे बंदे, बस भंडारे के पास में। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं। हाँ, मैं वहाँ पे नहा लिया। कभी नहीं नहाना चाहिए शेषनाग में, खास करके ना आपको ठंड लगी। हाँ। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया ना कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कभी ठंड लगती है ठंडे पानी में नहालोगे सिर में, पूरे 2-3 दिन तक ठंड जाएगी नहीं। वो तो शुक्र है आप इतने परेशान नहीं हो, नहीं सिर ऐसा पकड़ लेती है, माइग्रेन का पेन होता है ना, सिर फटने वाला एकदम, वैसा पेन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि नहाना हो तो पहलगाम में नहालो या बाबा जी गुफा पे नहालो, शेषनाग में तो भूल के मत नहाओ, बहुत ठंडा पानी होता है। और मंकी कैप वगैरह पहन के रखो, वही होता है ठंड का। या फिर कहीं पे ऑक्सीजन लेवल कम हो ना, जब हमारे सिर में पेन होता है, चक्कर आते हैं हमें। अच्छा, पर दो ही कारण है इसके, बाकी कोई कारण नहीं है, गैस वैस तो। वैसे तो मुझे कोई ऊंचाई वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं नहीं, वो आप नहा लिए ठंडे पानी में, उसकी वजह से हुआ, पक्का वो ठंड सिर में लग जाती है। अगर वही पेट में लग जाती है तो लूज मोशन लग जाते हैं आपको। जी जी, तो ये ठंड का आपको, मैंने आपको परेशान नहीं किया, मैं इस बारे में आपको बोलने वाला था। नहीं, आप कम से कम बता देते उस टाइम, तो मैं आपका कुछ ना कुछ तो देखता ना, मुंह सिर में होता ना, विक्स लगा के आप गर्म। अभी मैं बोलने वाला था आपको, जैसे आप वीडियो बना के डाल देते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उस टाइम में पहले, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, चलो ये अच्छी बात है, और यात्रियों को इससे सीख मिल जाएगी, कम से कम नहाना ठंडे ठंडे, देखो बहुत ठंडा पानी होता है शेषनाग, बर्फ का पानी आता है ना, और उसमें बंदा नहाएगा या मुंह धोएगा तो फिर आपको पता ही है, और गर्माया हमारा गर्म शरीर होता है जब यात्रा करके आते हैं, तो शेषनाग जी में ना ही पंगा लेना ज्यादा ठीक है ना। ठीक है, और बाकी यार ये 4 यात्री जो है इनसे तो मेरी बात हो नहीं पा रही है, पर आप इनकी प्रॉपर तैयारी करवा देना ताकि इनको यात्रा में कोई दिक्कत ना आए, है ना। आप टेंशन ना लो, मैंने उनको सबको वॉक के लिए बोल दिया है। अच्छा, और अच्छा, वॉक के लिए जा भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर तो तैयारी मतलब पूरी है। फिर भी कोई आप करेंगे पैकिंग वगैरह, कोई सवाल होगा मन में ना, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता दीजिएगा। जी भैया, बस यही था, मैं सोच रहा था मैं एक ऐसी वीडियो बना के डाल दे भैया, ताकि कोई वहाँ पे नहाने से बच जाए और परेशानी ना उठानी पड़े। हाँ, क्योंकि यात्रा में फिर परेशानी, आपको पता है तबियत खराब हो जाए तो फिर कुछ भी अच्छा लगता, फिर तो कोई अच्छा बोल भी रहा हो ना जब भी अच्छा लगता। बिल्कुल, जो मेरे ऊपर बीती है और किसी भगत के साथ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। हाँ। तो आप फिर गुड़गांव मिलोगे हमें रेलवे स्टेशन पे ना? ओ, दिल्ली मिलोगे ना? हाँ। चलो, टाइम से पहुंच जाना अपना है, जैसे भी है, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? जी भैया, बस एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपना साइज बता दो।
अरे यार भाई साइज में यार मुझे थोड़ा सा ये है कि देखो सेवा है, आप मुझे कुछ देंगे तो फिर वो अच्छा मेरा है ना। मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी थोड़ी चीज को सेवा करने दो, मुझे नहीं आपका नहीं छोटा भाई हूँ। सेवा की कोई अच्छा बात नहीं। एक एक लोअर टी शर्ट लिया हूँ मैं आपके लिए गर्म। अरे गरम क्या करूंगा लोअर टी शर्ट में, कोई बात नहीं आप ले आना फिर लोअर टी शर्ट ले आना, लोअर टी शर्ट में साइज का कोई पंगा नहीं है। ठीक है, एक आप कम कर लेना अपने उसमें बैग में, एक नहीं लोअर नहीं टी शर्ट। कोई बात नहीं मेरे भाई, ये आपका प्यार है ना, यही लोअर टी शर्ट है मेरे लिए, कोई ऐसी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है नहीं नहीं देखो भाई जी, आप आपके साथ मैं गया था, वो तो भगवान ने मुझे बुलाया और 15 दिन बचे थे उस टाइम पे यात्रा के, हाँ जी हाँ और जी आप आपकी सहायता से भगवान ने मुझे बुलाया और मैंने बाबा से अपनी सक्सेस मांगी थी। अच्छा ठीक अच्छा है, हाँ जी आज मैं उस पड़ाव पे हूँ अरे कि बाबा वाह ने मुझे सक्सेस दी है। चलो ठीक जी, है, बहुत और ही खुशी की बात है। तो बाबा के नाम से ही मैंने 3-3 दुकान कर ली अपनी ओहो नौकरी बहुत से। ही अच्छा। हाँ जी, बाबा जी 2 सैलून है अच्छा अच्छा बाबा जी के, अच्छा और एक बाबा जी गारमेंट शॉप है। ठीक ओहो गारमेंट शॉप भी है, दो सैलून है, भी हैं। और जी अभी हाँ जी 2 सैलून है और मेरे वर्कर काम करते हैं। ठीक अच्छा अच्छा है, 8 वर्कर है मेरे पास, 6, 5 एक पे और 3 एक पे। बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया, मतलब बाबा जी ने और आपकी सुन ली अर्जी है पूरी। हाँ जी बिल्कुल, गारमेंट शॉप पे मैं बैठता हूँ, अच्छा अच्छा और अभी मैं एक ये जनरल स्टोर और लेने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, आप तो मतलब बाबा जी को आप बोल के आए और आप वो सच्चे मन से। वैसे एक बात है, हाँ जी जो भी भोले बाबा हाँ जी से जी मांगते हैं भोले बाबा जी अपने भक्तों को जरूर देते हैं, ये तो हमारी भी अजमाई हुई चीज है। तो चलो बड़ी खुशी हुई, सर, कामयाबी मिली भाई को, तो ये अच्छी बात है। अच्छा भैया जी राजेश भैया, मैं वहाँ पे नीलकंठ जाता था, अच्छा मैं 13 साल गया वहाँ पे लगातार। हाँ जी हाँ, थोड़ा सा इशू हो गया था, एक बार मेरा पर्स चोरी हो गया वहाँ पे, 5,000 रुपये थे, सिर्फ 5 रुपये बचे थे मेरी जेब में। ओह अच्छा। हाँ, तो तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया भोले बाबा के ऊपर, माँ मैं अच्छा आता हूँ मैं नहीं आता चलो हूँ अच्छा आपकी दर्शन करने, और आपने मेरे साथ ये करवा दिया। चलो माँ कोई बात नहीं, वो भी हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं गया, मेरे पास 42,000 रुपये का फोन था, अच्छा तो भैया वापसी में हम उतर के आ रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रखी थी और पैर फिसला और मेरा फोन टूट गया, ओहो और उसमें 10,500 की स्क्रीन डलती थी। अच्छा। तो मेरे को तब गुस्सा आ गया, मैंने वहीं पे हाथ जोड़ के बोला, अरे भोलेनाथ मैंने बहुत दर्शन कर लिया आपके, फिर मैं आ रहा हूँ हर बार, मुझे आपने कुछ न कुछ मुझे नहीं ऑर्डर एक्चुअली रखो होता क्या है, ऐसा नहीं है, सजा। देखो मैं आपको बताऊं, एक बात तो मुझे आपकी अच्छी लगी जो आपने कहा ना कि भोले बाबा जी के 2 सैलून है, भोले बाबा जी की गारमेंट शॉप है और सब भोले बाबा जी का है ना। तो देखो हाँ हम जी जब दुनिया में आए थे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सब परमात्मा का भी होता है। बिल्कुल कई बिल्कुल बार हमारा पैसा ऐसा होता है जो कहीं हमारी बीमारी में या कोर्ट कचहरी में लगना होता है, तो बाबा हाँ मेरे जी हाँ ख्याल से जो जी मेरा मानना है, मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है तो मैं यही मानता हूँ कि जो प्रभु ने किया मेरे लिए अच्छा ही किया, क्योंकि देखो हम उनके नहीं बच्चे हैं और भोले बाबा जी हमारे लिए जी कभी भी गलत नहीं करेंगे, हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। कभी ऐसा हो ना तो ये सोचो पता नहीं हाँ मेरा जी पैसा कहाँ बीमारी में लड़ाई झगड़े में लगना था, चलो यहाँ कलेश हाँ मिटता। जी हाँ जी पैसा खर्च हाँ होना वो होता है, तो देखिए पैसा खर्च होना होता है जी वो कहीं नहीं कहीं होगा, तो जी आपका चलो फोन में हो गया, पर्स चोरी हो गया तो मान के, पर हाँ इतना जी अटूट विश्वास रखिए, मेरे साथ में लाइफ में कई हाँ चीजें हो जाती हैं, कहीं उन्हें पैसा हाँ लिया जी हटाया नहीं, तो मैं सोचता हूँ चलो कोई हाँ बात नहीं, बाबा जी की कृपा होगी, उसको नहीं ज्यादा ज्यादा जरूरत होगी तो नहीं उसके पास पहुंच हाँ गया। जी बिल्कुल, ऐसे तो मेरे पता नहीं भैया 3 लाख रुपए मरे पड़े आप बड़े आदमी हो। नहीं नहीं सब सब नहीं है, वो बड़े आदमी तो नहीं है, नहीं बस नहीं ऐसे ही धीरे धीरे अपना सीख, धीरे धीरे सीख जाना चाहिए। नीचे से, हम 2 भाई हैं, नीचे से ऊपर उठे हम नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है जो आप जी बता रहे हैं ना, आपने इतनी मेहनत की और इतनी सक्सेस हासिल की, ये जी भगवान की कृपा जी के साथ साथ आपकी मेहनत भी है इसमें ना, प्रभु कृपा बिल्कुल किस्मत होनी बहुत जरूरी है। चलो बहुत जी अच्छा जी लगा बात करके अनिल भैया, कम से कम ये है कि बाबा के दर पे जाके आपको चलो है ना। वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो मैं 3 बंदे को लेके गया था उस टाइम पे जब मेरा फोन टूटा, अच्छा। और वो उन्होंने मेरे पीछे से दारू पी के वो चढ़ गए थे वहां पे नीलकंठ देखो हाँ तो गलती मंदिर कुछ ना में। कुछ, हाँ हाँ, वो उन्होंने दारू पी रखी थी और मंदिर में दर्शन करने वो घुसे। ओह माय मैंने भी गॉड सोचा माँ भोले बाबा गलती इन्होंने की और सजा मेरे को मिली, तब मैंने सजा। भोले माँ
मैंने गुस्से में ही बोल दिया था कि मैं नहीं आऊंगा आपके दर पे। आप ये मान के चलो प्रवीण, हम आपको इतना बोलते हैं, इतना करते हैं, सजा ले जाने वाले को ही मिलता है, क्योंकि सजा जो ले जा रहा है ना उसको पता है दारू पीर की ऐसी भक्तों को मैं क्यों ले जा रहा हूँ। तो हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक है बड़ा ग्रुप होता है नहीं पता चलता कई बार, पर फिर भी भक्तों से निवेदन होता है कि देखो पूरी जिंदगी पड़ी है पीने के लिए और खाने के लिए ना, जब चार पांच दिन जा रहे हो तो बाबा के नाम के निकाल के जाओ। जी ठीक है प्रभु जी। और हाँ जी, उसके बाद बोले ने सोचा मेरा भगत नाराज हो गया। फिर बाबा जी ने आपको बाबा अमरनाथ जी बुलाया है। हाँ फिर अमरनाथ जी बुलाया मुझे। चलो अब मैं तो अपना डेली, मेरे पास एक भोले बाबा है, एक शिवलिंग है, एक नंदी जी है। अच्छा, मैं उनको डेली स्नान करवा के चंदन का टीका लगा के और रुद्राक्ष की माला पहना के तब मैं अपना अपने रोजगार पे आता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, भोले बाबा जी के भाव के भूखे हैं बाबा, आप भाव से जुड़े रहिए, बाबा आपको और तरक्की दे, हम तो यही कहेंगे और आप खुश रहें। ठीक है प्रभु जी। जी भैया ठीक है। अनिल भाई मिलते हैं दिल्ली में फिर, हैं बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।